हाय गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आज हम जाएंगे हमारे डोमिनार की बैक ब्रेक है, उसमें कोई इशूज आ रही है, बैक ब्रेक सही से लग नहीं रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो, बैक ब्रेक सही से इसका काम नहीं कर रहा है। तो आज इसी बैक ब्रेक को चेक कराने हम एस प्रो बाइकिंग सोल्यूशन है, उसी में जाके इसको चेक कराने वाले हैं। क्योंकि सर्विस सेंटर में गया था तो उसमें उन्होंने बोला कि ये ऐसा ही है, गाड़ी ऐसा ही है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था, पहले ऐसे आवाज़ नहीं आता था जब मैंने नहीं लेते थे। तो चलो हम वहाँ विज़िट करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। बैक ब्रेक इशूज आ रही थी कुछ दिनों से, ब्रेक लगाने पे ठक ठक का आवाज़ आ रहा था पीछे से। तो वही आज हम जा रहे हैं शो करने एस प्रो बाइकिंग, जो कि कालका जी में है। मैंने इसको सर्विस सेंटर में भी दिखाया था तो उन्होंने कहा ये नॉर्मल है, बाइक ऐसी है। लेकिन ऐसा नहीं था, मैंने जब नई बाइक ली थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो चलो देखते हैं क्या होता है, वहाँ जाके ही मालूम चलेगा। तो ये बटला हाउस से हम निकल चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ट्रैफिक यूजुअल है, आज उतनी ज़्यादा नहीं है और ठंड भी और दिन के मुकाबले बहुत कम है। धूप तो हद से ज़्यादा है यार, करीब से करीब हम लोग 10 से 15 मिनट में पहले हम जा रहे हैं बजाज के सर्विस सेंटर, वहाँ पे हमें कुछ काम है तो वहाँ चल के वहाँ से शायद कोई सामान हमें लेना है, वो वहाँ मालूम चलेगा। तो चल ही रहे हैं हम, काफ़ी ज़्यादा ही ट्रैफिक है इधर। ट्रैफिक क्या, एक दो चूतियों की वजह से ट्रैफिक लग जाती है। ओवरटेक कर लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, डोमिनार की जो ब्रेकिंग कैपेबिलिटी है वो मैंने काफ़ी बाइकें चलाई हैं, उन सबसे सबसे बढ़िया है। आज काफ़ी अच्छा सा धूप निकला है तो बाइक राइड करने में भी मज़ा आ रहा है यार। फ़ोन पकड़ने में हाथ में बहुत दिक्कत होती है। जैसा आप देख सकते हो इन ट्रैफिक वाले रोड में भी मोदी बाइक एकदम के स्पीड में निकाल रहे हैं। इन गाड़ी हकीकत में 45-46 की स्पीड ही चल रही है। और वापस यहाँ से रेड सिग्नल, सामने भी एक डोमिनार है वो भी 400। लेकिन हमारी डोमिनार की बात ही अलग है। तो यार हम पहले आ गए हैं पेट्रोल पंप गाड़ी में फ्यूल लेने। यहाँ से फ्यूल लेके हम डायरेक्ट बजाज के शोरूम जाएंगे, पावर वाली लेंगे फ्यूल। तो यार हमने पेट्रोल ले लिया है और निकल गए यहाँ से। जैसा आप देख सकते हो ठेला वाला आ रहे हैं, कब ठोक दे कोई मालूम नहीं। और हमें तो आदत है रॉन्ग साइड चलने की, लेकिन पुलिस वाला कोई देख लेगा तो हमें रॉन्ग साइड में ले जाएगा। यार ऐसा रिस्क कौन लेता है रॉन्ग साइड आने का है हमारे को छोड़ के। देखो टेम्पो देख तो रहे हो आप, कैसे कट मारती है यहाँ पे। यहाँ कब पता नहीं भूख से कब कुछ का कोई का कुछ हो जाए, कोई भरोसा नहीं भाई यहाँ पे। यहाँ पे किसी का कोई भरोसा नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। कब किसी को आके कोई ठोक जाए और कोई ठोका जाए, कोई भरोसा नहीं। यार हम हरदम गलत लोकेशन पे आ जाते हैं। यहाँ से यू टर्न ले लो। दिल्ली के रोडों में हरदम काम लगी रहती है लेकिन ये काम कभी खत्म नहीं होती है, देख रहे हो आप।
पता नहीं कैसे गाड़ी चलाते हैं सैन के लोड़े। यहाँ से ये ले लो, लेफ्ट ले लो। अब उधर कहाँ जाओगे, इसी में जाना है हम लोग को। कहाँ जाना है, लेफ्ट ले लो। अब इधर कहाँ है, अब देखो बोका नहीं है भाई, हम लोग को उस गली में जाना है। किस गली में जाना है, आगे वाला लेफ्ट होके गली से नीचे वाले गली में, फिर उतना दूर जाएगा घुमाने। इसीलिए हम कहे तो उधर ही से घुमा लो। यार हम हाईवे पे रॉन्ग साइड में चल रहे हैं, कब पता नहीं कोई ठोक भी देगा तो उसकी गलती नहीं होगी, हमारी गलती होगी। यहीं से अंदर ले लो। लग रहा है कि हम सही रास्ते पे आए हैं। ये देखो भाई, द ग्रैंड रिप्स, जो कि हमें इसमें कोई काम नहीं है हमारा, हमें जाना है, हमें जाना है यहाँ बजाज के सर्विस पे। जैसा आप देख सकते हो, हम बजाज के सर्विस सेंटर पे आ चुके हैं, जो कि दीवान बजाज है। अब अंदर जाते हैं इसकी एबीएस प्लेट लेने। यार तो हमारी बात हुई है इस प्रो बाइकिंग वालों से, तो वो बोल रहे थे कि बाइक का ये ख़राब है, एबीएस रिंग ख़राब है आपका पीछे वाले। तो हम यहाँ बजाज के अभी सर्विस सेंटर में आए हैं, तो इनके पास वो पार्ट अवेलेबल ही नहीं थी। तो हम अभी जा रहे हैं मनोल पार्क, वहाँ पे देखते हैं वहाँ अवेलेबल होती है या नहीं। जैसा होता है वैसा अपडेट करेंगे। सामने रेड लाइट आ गई, मानते जाने हम, लेकिन रेड लाइट को हम कहाँ मानते हैं भैया, हम तो ऐसे ही जाएंगे। बाइक एकदम गाड़ फाड़ चल रही है, बाइक में कोई कंप्लेन नहीं भैया, सबकी फाड़ के रख दी है बाइक ने। हाँ भाई, जैसा आप देख सकते हो बेंसन फिर से ट्रैफिक आ गया वापस, मेरे मुंह में पूरा धूल चला गया यार। गाइस, हमारे मुनीस भाई बहुत खफा चल रहे हैं हमसे, बोल रहे हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही गालियाँ देते हो, हमें वीडियो में मत लेना। तो गाइस आते ही नहीं दिखेंगे आपको, कोई बात नहीं गाइस, आप उदास मत होइए, कल आपको हम अपनी राइडिंग दिखाएंगे। सामने आप देख सकते हैं आकाश इंस्टीट्यूट, जो काफ़ी लोगों का चूतिया काटता है। ये दावा करता है कि नीट आईआईटी का ये तैयारी कराता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, हम भी 2 साल इसे तैयारी किए हैं। फोर्स एरिया में हम आ गए हैं, जैसे आप देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड के इधर शोरूम हैं। शोरूम तो अपना ही है भाई, जहाँ के नाम लोगे कि शादाब ने भेजा है, तो शोरूम से कुछ भी दे देंगे ये। सामने अपनी फॉर्चूनर जा रही है, अपनी वैगनार में टकला बैठा हुआ है, बैंक तो चुन ना ले। अंकल का हेलमेट खुला हुआ है, कोई बात नहीं, हमारे भी कभी 10 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, हमसे भी कभी लोग मिलने के लिए तरसेंगे गाइस। कब मैं मुनीस भाई को बताऊंगा कि इन्होंने क्या छोड़ा है। तो गाइस जैसा आप देख सकते हो, सामने वाला स्कूटी वाला बहुत बड़ा बकचोद है, एक साइड इसको चलने नहीं आता है। देखो अभी मुंडे भी हिला रहा था कि नहीं आता है, उसके सामने से निकाल रहा। तुम भाई धीरे चलाओ, हमको लगा पुलिस वाले को ही ठोक दिया। जैसे कहीं आके कोई पुलिस वाला रोक ना ले, सबसे पहली बात हमारे पे तो ना लाइसेंस है ना कुछ है। कीप दिल्ली क्लीन। और गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, डोमिनार के फैमिली गाड़ी साथ बच्चा चल के कब तक खुला नहीं रही है, एकदम खुला नहीं है गाइस। गाइस जो पावर है वो पावर किसी में नहीं। यार जैसा कि आप देख सकते हो, ये भी कुछ है जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है, सॉरी दैट आई एम वीक इन हिस्ट्री। और भाई ऐसी रोड हो तो मेरे को सही बता रहा हूँ भाई, क्या हो जाए रोड पे, ऐसा रोड हो, ऐसा मौसम हो, तब भाई ट्रिप करने का मजा ही कुछ अलग है। ये देखो रेल भवन है, ये अपनी डोमिनार हर जगह जाती है,
जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ भी जाती है। तो यार हम ये वाले भी पक्का लिंक बजाज के सर्विस सेंटर पे आ चुके हैं, इस पर भी डोमिनार की बैक ABS रिंग अवेलेबल नहीं है। काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसका ABS रिंग पाना, यही वाली ABS रिंग है, ये हमारी बेंड हो चुकी है थोड़ी बहुत। तो यार पिछले एक दो घंटे से हम ये कर रहे हैं, अब हम कृति नगर जा रहे हैं, देखते क्या होता है वहाँ, अवेलेबल होती हैं। तो अभी हमने इसका फ्रंट वाइज़र चेंज कराया है, इसमें ये कार्बन रेसिंग की फ्रंट वाइज़र लगवाई है, और जो मैं ABS की बात कर रहा था वो यही वाली ABS थी जो कि पूरे दिल्ली में कहीं अवेलेबल नहीं है। अभी मैं इसका फ्रंट सस्पेंशन गोल्डन कराने जा रहा हूँ, तो बाकी कराने के बाद से देखते हैं कि कैसा अपडेट निकल। कंप्यूटर ग्राफिक्स पे आए हुए थे हमने, यहाँ सस्पेंशन का काम कराया है और यहाँ अपना यूट्यूब लोगो लगवाया है, और यहाँ टोटल यहाँ खर्चे आए हैं जो मेरे थे 450 रुपीज़। काम बहुत अच्छा करके दिया है भैया ने। तो चलो चलते हैं, कल के दिन मुलाकात होगी जब मैं गाड़ी की ABS रिंग चेंज कराऊँगा।